आओ आप शुरू कर दें जी सत्तवीं क्लास का मैथ का अभ्यास 2.5। सानू पता है कि कोई भी दशमलव संख्या असी किस तरह विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। आओ मैं एक दशमलव संख्या लैंना जी 156.239। हुण नोट करो दशमलव संख्या तो पहला दा स्थान तुहाडे याद होएगा इकाई दहाई ते सैकड़ा इस तरह चलता है। लो मैं लिख दिना इत्थे जी इकाई फिर दहाई सैकड़ा इस तरीके नाल हज़ार। दशमलव तो बाद वाला स्थान दशमलव तो नाल दी नाल सज्जे हथ जिहड़ा भी साडे अंक है उहदा मुल दसवां स्थान, उस तो बाद सौवां स्थान, उस तो बाद हज़ारवां। नोट करो दशमलव संख्या दे खब्बे हथ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार इस तरह रकम चलती है, तो दशमलव संख्या दे सज्जे हथ सीधा दसवां सौवां ते हज़ारवां। हुण इकाई दा स्थान देखो जी एक, ते दहाई दा गुणा दस करके असी दहाने आ, सैकड़ा गुणा सौ दे नाल, हज़ार वाला स्थान गुणा हज़ार करके इस तरीके नाल दसवें लई एक बटा दस, सौवें लई एक बटा सौ, ते हज़ारवें लई एक बटा हज़ार। तो हुण मैं इस संख्या नूं किस तरह लिखांगा जी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखियो। दशमलव तो पहला खब्बे हथ इकाई वाले स्थान पर मेरे को छे है, दहाई वाले स्थान पर पंच, सैकड़े वाले स्थान पर एक, ते हज़ारवें हज़ार वाले स्थान पर सत्त। हुण दशमलव संख्या के सज्जे पासे दसवें स्थान पर दो, सौवें स्थान पर तीन, हज़ारवें स्थान पर नौ। तो किसी भी दशमलव संख्या इस तरीके नाल लिखा जा सकता है। आपां इहदा फायदा कित्थे मिलेगा आओ देखिए। जिस तरह सब तो पहला प्रश्न है कि केड़ी संख्या वड्डी है, पहले प्रश्न का पहला भाग देखो 0.5 या 0.05। तो असी इस संख्या नूं लिखांगे जी इत्थे देखो इकाई का अंक है, इकाई इकाई की थान पर इत्थे साडे कोल हाँ जी की है जी जीरो, हेठां भी जीरो, दशमलव तो एकदम पहला खब्बे हथ तो शुरू करके। फिर दसवां स्थान देखो पंच, इत्थे की है जी जीरो, उस तो बाद सौवां स्थान, सौवें स्थान पर हेठां साडे कोल पंज है, उपर कुछ भी नहीं, तो तुसी अपने कोलों जीरो का प्रयोग कर सकते हो। तो हुण शुरू करना चैक करना शुरू करो जी, इकाई वाले स्थान पर जीरो जीरो बराबर होंगे है, अगे चलो जी दसवां स्थान पर उपर पंज हेठां जीरो। हुण केड़ी संख्या वड्डी है पंज या जीरो, बिल्कुल सही पंज वड्डा है। तो जिहड़े खाने दे विच वी सानूं वड्डी रकम मिल गई उहदे सामने वाली संख्या वड्डी होएगी, इस करके 0.5 वड्डा है 0.05 नालों। तुहाडा आंसर आ चुकिया। एक प्रश्न होर देखते हैं आपां इस तरह, जिस तरह इसका भाग है जी चौथा, संख्या दिती है जी साडे कोले 1.37 ते 1.49। तो असी लिखना शुरू करते हैं जी संख्यावां नूं, इकाई दसवां सौवां, इकाई वाले स्थान पर एक, हेठां भी एक, दसवें की थान पर तीन, हेठां चार, सौवें की थान पर सत्त, हेठां नौ। हुण नोट करो जी पहले खाने विच एक ते एक बराबर है, अगले खाने च तीन ते चार चों किहड़ा वड्डा है, चार वड्डा है। तो इस करके 1.37
तो 1.4 नौ विचों 1.4 नौ वड्डा है तो इस निशान का मूँह उस वल खोल दियो। बाकी दे भाग तुसी खुद इस तरीके नाल कर लेने हैं। आओ दूसरा प्रश्न देखिए। तुहाडे ख्याल होएगा 1 रुपए दे विच 100 पैसे होंदे है। मान लवो मैं 5 रुपए विच किन्ने पैसे है वेखना चाहना, तो 1 रुपए च 100 पैसे है तो 5 रुपए विच 5 गुणा 100 यानी कि 500 पैसे हो जाएंगे। तो साडा सूत्र है जी, जे असी रुपए तो पैसे वल जाना हो, छोटे यूनिट वल जाना हो, छोटी इकाई वल जाना हो, सौ नाल करो गुणा। पर जे पैसों तो रुपए बनाने हो तो 100 नाल भाग करनी पवेगी। जिस तरह मान लवो मेरे को 75 पैसे है तो 75 नू 100 नाल भाग करके हेठां देखो 2 सिफर है, उपरों 2 अंक छड के दशमलव लग गया जी, 5 ते 7 छड के अगे दशमलव लग गया, तो मेरे को इन्ने रुपए हो जाएंगे। हुण देखो जी जिस तरह दूसरा प्रश्न है साडा, सब तो पहला भाग है, कहिंदा जी दशमलव का प्रयोग करके हेठ लिखिआं नू रुपयां विच दर्शाओ। पहले नंबर ते है जी 7 पैसे। अच्छा देखो जो असी पैसों तो रुपया में बदलना हो 100 नाल करनी पवेगी भाग सानू, क्योंकि 1 रुपए 100 पैसे होंगे है, हेठां 2 सिफर है तो उपर 2 अंक छड के सिफर लगेगा, 1 अंक तो 7 आ गया, एक होर अंक लई 0 लगा लो, इत्थे पॉइंट लगा लो, ये बन गए जी 0.07 रुपए आंसर। दशमलव तो पहला 10 असी अपने को लगा सकते हैं। हुण देखो जी दूसरा प्रश्न है, रुपए 7 ते 7 पैसे, इहदा मतलब हो गया 7 रुपए अलग तो प्लस 7 पैसे अलग तो, यानी कि 7 रुपए। हुण इस 7 पैसे नूं रुपयां विच किवें बदलीए, बिल्कुल जिस तरह उपर बदलिया 100 नाल भाग करके ये रुपयां विच बदल गया, इधर 7 रुपए ये बदल गया जी 0.07 रुपए। हुण देखो दोनों की इकाई रुपए तो रुपए सेम है तो इन्हों जोड़ लो 7, हेठा 0.07, दशमलव के उपर दशमलव लगा लो कोलो, पिछे हेठा वाली संख्या 2 अंक दिते है तो उपर वाली संख्या असी अपने को सिफर लगा लें, दशमलव तो बाद अखीर के उत्ते जिन्हां मर्जी सिफर कोई फर्क नहीं पैंदा। तो हुण जोड़ो 0+7 7, 0+0 0, 7+0 7, ये बन गया 7.07 रुपए आंसर। एदा एक होर प्रश्न देखो जिस तरह 5वां भाग है, 235 पैसे, तो पैसों नूं बदलना जी रुपया विच 100 नाल कर दिओ भाग। हुण नोट करो 100 दे नाल भाग कीती तो पैसे रुपया विच बदल जाणगे, हेठां 2 सिफर है तो उपर वाले पास्यों इकाई वाले स्थान तो तुसी 2 अंक छड के दशमलव लगा दिओ, ये बन गया जी 2, 3, 5 दे विचों 5 ते 3 छड के दशमलव, इत्थे इन्ने रुपए तुहाडा आंसर। एक प्रश्न होर देखो, तीसरा भाग है 77 रुपए ते 77 पैसे, मैं इनू लिखांगा 77 रुपए प्लस 77 पैसे। 77 रुपए उस तरीके नाल उतार लो, प्लस के हेठां प्लस का निशान, पैसों तो बदलना जी रुपया विच 100 नाल करो भाग, बदलिया गया जी रुपया विच 77 रुपए प्लस, हेठां 2 सिफर है तो उपरों इकाई वाले स्थान तो 2 अंक छड के दशमलव लगा दिओ, ये रुपया विच बदलिया गया, अगे 1 सिफर लगा दिओ, जोड़ करोगे जो तुसी 77 तो 0.77 जोड़ करिए जी, दशमलव उत्ते दशमलव, अखीर वाले पासे जिन्नी मर्जी 0 लगा लो दशमलव लगाने तो बाद कोई फर्क नहीं पैंदा, 0+7 7, 0+7 7, दशमलव हेठां दशमलव, 7+0 7 ते 7, ये बदल गया जी 77.77 रुपए आंसर। आओ अगला प्रश्न करिए असी। हुण तुसी ना एक छोटी जी सारणी याद रखनी है की है डम डसम, की है डम डसम, याद हो जाएगा ना थोड़े यह शब्द की है डम डसम, की तो बनावांगा मैं किलोमीटर, है तो बनावांगा हेक्टामीटर,
ड तो बनावांगा डेकामीटर ते इस म तो बनेगा साडा मीटर इस ड तो बनेगा डेसी मीटर ते इस स तो साडा बनेगा सेंटीमीटर ते अस इस म तो बनेगा मिलीमीटर ठीक है। अच्छा जिहड़ा किलोमीटर है इसनों असी शॉर्टकट दे विच इस तरह लिख दिंदे आ, मीटर नूं असी शॉर्टकट दे विच इस तरीके नाल लिखदे आ, कल्ला मी पा के दो बिंदियां, मिलीमीटर नूं असी लिख दिंदे आ शॉर्टकट दे विच इस तरीके नाल। हुण तुसीं याद रखना जी सूत्र, देखो पौड़ियां बना लो कुछ अपने कोलों, सब तो हेठां किलोमीटर, फिर हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर तो बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो बाद अखीर ते मिलीमीटर। मान लवो तुसी 7 किलोमीटर का मुल वेखना चाहते हो मीटर विच, तो 7 की जगह पर 7 ही लिखो। मान लवो तुसी किलोमीटर की पौड़ी पर जाके खड़े हो, मीटर वाली पौड़ी पर पहुँचने लिए तुहानू किन्ने कदम तुरना पिया, इत्थे तां तुसी रुके हुए हो किलोमीटर पर, तो पहली पौड़ी चढ़े फिर दूजी फिर तीजी, 3 पौड़ियाँ चढ़ के गए हो, तो तुसी 1 उहदे नाल 3 ज़ीरोआं लगा दिओ तो 1000 दे नाल गुणा कर दिओ तो यह तुहाडा बन गया 7000 मीटर। मान लो मैं वेखना चाहना 5 हेक्टामीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो इधर 5 है, इधर लिखो जी 5 गुणा 1, एक दे नाल किन्नियां सिफरां लगाइए, हेक्टामीटर वाली पौड़ी ते खड़ जाओ सेंटीमीटर दे पहुँचो किन्ने कदम तुरोंगे, 1 2 3 4 4 कदम तुर के गए तो 4 ज़ीरोआं, यानी कि जिन्नियां पौड़ियां उपर चढ़े हो उन्नियां सिफरां नाल लगा दिओ, तो यह बन गया जी 5 × 5 नाल गिण के 4 सिफरां इन्ने सेंटीमीटर तुहाडा उत्तर आ चुकिया। अच्छा इस तरीके नाल देखो, मान लवो मैं 25 सेंटीमीटर दे विच वेखना चाहना किन्ने मिलीमीटर है, 25 है तो इधरले पासे 25 ही लगाओ गुणा 1 कर दिओ, 1 दे नाल किन्नियां सिफरां, सेंटीमीटर दी पौड़ी ते जाके पहला खड़े हाँ आपां, सेंटीमीटर आ पिया जी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाली पौड़ी ते तुसी खड़े हुए हो, मिलीमीटर दी पौड़ी ते पहुँचो जी उपर किन्ने कदम तुरना पिया, सिर्फ 1 पौड़ी तो 1 सिफर नाल लगा दिओ, 25 दा आया 250 मिलीमीटर। अच्छा हुण इस तरीके नाल मान लो तुसी 17 सेंटीमीटरां च मीटर देखने आ किन्ने होणगे, तो 17 दी जगह ते 17 लिखो। हुण देखो जी सेंटीमीटर वाली पौड़ी कित्थे आ तुहाडी, आ पई सेंटीमीटर, तुसी हेठां वल आना है सेंटीमीटर तो मीटर वल, यानी कि वड्डी इकाई वल आना है, तो तुसी भाग करोगे हेठां लगाओ 1, सेंटीमीटर तुसी खड़े हो हुण मीटर दी पौड़ी ते पहुँचने लई किन्ने कदम तुरना पिया, 1 कदम 2 कदम, तो 1 दे नाल हेठां 2 सिफरां, 1 दे नाल 2 सिफरां, यानी कि 100 नाल भाग होगी, हेठां 2 सिफरां है तो उपरों 2 अंक छड के दशमलव लगा दिओ, यह बन गए जी 0.17 मीटर। इस तरीके नाल मान लवो मैं देखना चाहना कि 12 डेकामीटर एदे विच किन्ने किलोमीटर है, 12 की जगह पर लिखो जी 12
डेका मीटर आ पिया जी, तुसी हेठां वड्डे यूनिट वल जाना है तो हेठां जाना है तो भाग करो जी थले एक डेका मीटर ते तुसी रुके हुए हो, किलोमीटर की पौड़ी ते पहुँचना है, एक कदम दो कदम तो हेठां दो सिफरा, हुण दो सिफर है उपरों दो अंक छड के दशमलव लगा दिओ जी, ये बन गया जी 0.12 किलोमीटर। तो इस तरीके नाल तुसी किलोमीटर नू मीटर विच, मीटर नू डेसीमीटर च, डेसीमीटर नू सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर तो डेसीमीटर, मीटर मिलीमीटर, डेकामीटर, इन्हां सारयां नू आपस विच बदल सकदे हो। बस एक गल का ख्याल रखना है कि जे तुसी छोटे यूनिट वल जाना है तो गुणा होएगा, जे वड्डे यूनिट वल जाना है तो भाग होएगा। बस किलोमीटर सब तो वड्डा यूनिट है इन्हां विचों, फिर छोटे होंदे जांदे हैं हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। इस तरीके नाल आओ आप अगला प्रश्न करके देखिए। तो यह नोट तुसी जरूर याद रख लेना कि है डम डसम, पहले वालियां च हेक्टामीटर डेकामीटर, बाद वालियां च डेसीमीटर। तो साडा तीसरा प्रश्न है उसका पहला भाग, सानू रकम दिती है जी 5 सेंटीमीटर नू मीटर ते किलोमीटर विच दर्शाओ, 5 सेंटीमीटर। लो जी 5 सेंटीमीटर नू मैं बदलना चाहना मीटर विच, 5 दी जगह ते 5। हुण नोट करो सेंटीमीटर तुहाडे आ रहे, मीटर आ रहा, तो मैं सेंटीमीटर नू मीटर च बदलना है, तो किन्नियां पौड़ियां हेठां उतरिया, इत्थे तां मैं रुकिया होया 1 ते 2 पौड़ियां हेठां उतरिया, तो मीटर वड्डा यूनिट है ना, तो फिर बटा 1 ते नाल दो सिफरा, दो सिफर है उपरों दो अंक छड के दशमलव लगा दिओ, ये बन गया जी 0.05 मीटर। तो हुण इस तरीके 5 सेंटीमीटर नू मैं किलोमीटर विच बदलना चाहना, 5 इधर भी 5 लगाओ हेठां 1, हुण किलोमीटर वड्डा यूनिट है, सेंटीमीटर वाली पौड़ी तुसी खड़े हो, किलोमीटर वल मुड़ो 1 2 3 4 5, तो 5 पौड़ियाँ हेठां उतर के तुहानू आना पिया, तो एक उहदे नाल 5 सिफरा बदलिया गया जी किलोमीटर विच, हेठां 5 सिफर है उपरों 5 अंक छड्डने पैणगे, पहला अंक हो गया 5 ते बाकी 4 लगा लो सिफरा, ते अगे लगाओ जी दशमलव, 1 0 वैसे ही लगा लो दशमलव तो पहला, तो असी 5 सेंटीमीटर नू किलोमीटर विच बदल दिता। इस तरीके नाल इहदा दूसरा भाग है 35 मिलीमीटर नू सेंटीमीटर च बदलीए, 35 मिलीमीटर इहनू बदलना जी सेंटीमीटर विच, 35 जगह ते 35। देखो मिलीमीटर है छोटा यूनिट, मैं जाना वड्डे यूनिट सेंटीमीटर च, मिलीमीटर की पौड़ी ते मैं खड़ा, एक कदम हेठा आ गया, सिर्फ एक कदम, तो हेठा 1 सिफर, 1 सिफर है मगरले पासों 1 अंक छड के दशमलव लग गया, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके 35 मिलीमीटर नू मैं बदलदा जी मीटर दे विच, देखो किस तरह 35 बटा 1, मिलीमीटर तो मीटर ते पहुँचना है, इत्थे मैं रुकिया होया 1 कदम 2 कदम 3 कदम हेठा उतरिया जी, यानी कि 1000 दे नाल भाग, 3 सिफर लग गई, 3 सिफर है उपरों 3 अंक छड़ने पैणगे, 3 5 1 0 0, सिफर यानी कि 0, 3 अंक छड के इत्थे लग गया दशमलव, अगे 1 0 वैसे ही लगा दो, बदलिया जा चुकया जी मीटर च। इस तरीके 35 मिलीमीटर नू तुसी बदलना चाहते हो जी किलोमीटर विच, किलोमीटर च 35 वड्डा यूनिट है जी किलोमीटर, छोटे तो वड्डे वल जाना तो भाग होएगी, नाल एक किन्नियां सिफर लानी है आओ देखिए, मिलीमीटर वाली पौड़ी ते असी खड़े हाँ, असी जाना किलोमीटर वल, आओ हेठां उतरना शुरू करिए, पहली पौड़ी दूजी हेठां उतरते हैं ना, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं छेवीं, 6 पौड़ियाँ सानू हेठां उतरना पिया, तो गिण के 6 सिफर नाल लगा दिओ, 6 सिफर है उपरों 6 अंक छड़ने पैणगे, 2 अंक तो 3 ते 5 हो गए, बाकी 4 अंकों 4 सिफर लगा दिओ, अगे आ गया जी दशमलव, किलोमीटर आंसर, दशमलव तो अगे सिफर अपने कोलों लगा दिओ। एक छोटा जिहा नोट याद रखना, तुसी बाजारों कोई सौदा समान खरीदते हो तो भाई तुहानू किलोग्रामा विच तोल के वस्तु दिंदे आ, याद रखो 1 किलोग्राम का
माप 1000 ग्राम के बराबर होंगे, यानी कि 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम होंगे। अच्छा तुसी इदा याद रखो, किलोग्राम नूं आपां की उहदे पैर च बिंदी पा के ग्राह इदा भी पा दिंदे आ। किलोग्राम तो तुसी ग्रामा वल जाना है, ग्राम हो गया छोटा यूनिट तो 1000 नाल गुणा कर देनी है, तो जे ग्राम तो तुसी किलोग्राम वल जाना है वड्डे यूनिट वल जाना है तो 1000 नाल भाग कर देनी है। तो इस तरह तुसी सूत्र सौखा याद रख सकते हो। हुण जिवें चौथा प्रश्न है, 200 ग्राम नूं असी किलोग्रामां च बदलना है तो वड्डे यूनिट किलोग्राम च जाना है, तो 200 नूं 1000 नाल भाग कर दिओ, तुहाडा उत्तर किलोग्राम च बदलिया जा चुक्या है। हेठां 3 सिफर है, उपरों 3 अंक छड के दशमलव लगा दिओ जी, 0.200 किलोग्राम तुहाडा आंसर आ चुका है। हुण 3470 ग्राम है तो इस नूं किलोग्रामां च बदलना है, 1000 दे नाल भाग कर दिओ जी, 3 सिफर हैं उपरों 3 अंक छड के दशमलव लगा दिओ, तो यह बदलिया गया 3.470 किलोग्राम आंसर। हेठां 3 सिफर सी तो उपरों 3 अंक छड़े, 0, 7 ते 4, इत्थे 4 दे अगे दशमलव लगा दिता। हुण 4 किलोग्राम ते 8 ग्राम है, इस नूं असीं किलोग्रामां च बदलना है, देखो किस तरह बदलांगे। 4 किलोग्राम वक्खरा रखो, प्लस का निशान पा के 8 ग्राम वक्खरा रखो, 4 किलोग्राम हेठां 4 किलोग्राम ही उतार लवो। ग्राम नूं हुण किलोग्रामां च बदलना है तो तुसीं 1000 दे नाल भाग कर लवो, यह बदलिया गया जी 8/1000 किलोग्राम। हुण देखो जिन्हां सिफरां हेठां उपरों 1 अंक छड के दशमलव लगा दिओ, 8, 0, 0 इत्थे दशमलव, यह बदलिया जा चुका जी किलोग्रामा च। हुण इन्हां दोनों नूं जोड़ कर लीए आपां, इन्हां दा 4 हेठां 0.008, तो दशमलव के उपर दशमलव लिखो, इस नूं कहिंदे आ जी दशमलव समान करना, दशमलव हेठां 3 अंक दिते आ दशमलव तो बाद, तो दशमलव तो बाद उपर 3 सिफर लगा लो, सिफर लगाने नाल कोई फर्क नहीं पवेगा, जोड़ करो जी 0+8 8, 0+0 0, 0+0 0, दशमलव हेठां दशमलव, 4+0 4, बस दशमलव के हेठां दशमलव आना चाहिए ध्यान रखो, तो यह बदला गया 4.008 किलोग्राम आंसर। नोट करो जी, जे मैं संख्या विस्तृत रूप में लिखना चाहवा तो दशमलव तो पहला इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 2 है, दशमलव तो बाद 10वें स्थान पर 0 है, 100वें स्थान पर 3 है, तो इस किस तरह लिखा जा सकता, नोट करो 2×2 हैगा जी दहाई के स्थान पर, तो उन्हों 10 नाल गुणा, प्लस इकाई के स्थान पर है जी 0, इकाई वाली संख्या का जिहड़ा मुल हैगा वह 1 दे नाल शो करते हैं, गुणा 1, प्लस 10वें स्थान पर है जी मुल 0, उन्हों गुणा करो जी 1/10 के नाल, प्लस 100वें स्थान पर मुल है जी 3, उन्हों गुणा करो 1/100 के नाल, यह बन गया जी संख्या का विस्तृत रूप। जे तुसीं चाहो तो इत्थे ब्रैकटां की वरतों कर सकते हो। आओ आप होर कलैरिटी लिए प्रश्न देखिए, जिवें 200.03 है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है जी 2, दहाई के स्थान पर 0, इकाई ते भी 0, 10वें स्थान ते 0, 100वें स्थान ते 3, ता एदे विस्तृत रूप लई देखो 2×, सैकड़े वाला मुल असी 100 दे नाल शो करते हैं, ब्रैकेट यूज कर लो, प्लस दहाई दे स्थान ते 0, दहाई दे मुल लई असी 10 नाल गुणा करते हैं, प्लस इकाई वाला मुल 0, उस लई असी 1 नाल गुणा कीती, प्लस 10वें स्थान पर 0, उस लई असी 1/10 नाल गुणा कीती, 100वें स्थान लई 3, उस लई असी 1/100 नाल गुणा कीती, तुहाडा उत्तर आ चुक्या। हुण यह है जी 2.034, दशमलव तो पहला इकाई वाले स्थान पर 2, 10वें स्थान पर 0, 100वें स्थान पर 3, ते 1000वें स्थान पर 4, तो मैं इस नूं लिखूंगा 2×1, प्लस 0×10वें स्थान वाला मुल 1/10,
प्लस तीन गुणा सौवें स्थान वाला मुल एक बटा सौ नाल प्लस हज़ारवें लई चार हज़ारवें स्थान वाला मुल एक बटा एक हज़ार ये तुहाडा संख्या का विस्तृत रूप आ चुका। छेवें प्रश्न च सानू कुछ दशमलव संख्यावां दे दित्तियां हैं उन्हां विच असी दो दा स्थानक मुल लिख के देना है। नोट करो जे मैं इहनूं विस्तृत रूप में लिखना चाहवां तां मैं इहनूं किस तरह लिखांगा। दशमलव तो पहला इकाई के स्थान पर मेरे को दो है, इकाई के स्थान पर दो, ना दहाई वाला अक्षर मौजूद ना सैकड़े वाला, दसवें स्थान पर पंज ते सौवें स्थान पर छे, हज़ारवें स्थान पर कुछ नहीं है। तो हुण दो दा स्थानक मुल किहड़ा है, इकाई, दो इकाई के स्थान पर है। इस तरीके नाल दूसरी रकम नूं मैं लिखदा जी 21.37, दहाई के स्थान पर दो, इकाई के स्थान पर एक, दसवें स्थान पर तीन, सौवें स्थान पर सत्त, सैकड़े पर भी कोई नहीं है, हज़ारवें पर भी कोई नहीं है। तो स्थानक मुल दो दा कितना आ जाएगा जी, दहाई। आंसर इत्थे नोट करो जी, आ तीन बिंदियां का मतलब हुंदा है उपर एक बिंदी हेठां दो बिंदियां, इसलिए पंजाबी विच असीं लिखते हैं, इसलिए मैथ की भाषा विच इहनूं तीन बिंदियां पा के लिख दिता जांदा है। तीसरा भाग है जी इहदा 10.25, दहाई दे स्थान ते एक, इकाई दे स्थान ते जीरो, दसवें स्थान ते दो, सौवें स्थान ते पंज। ता दो साडा पहुँच चुका जी दसवें स्थान ते, ता ये आ गया जी दसवां। इस तरीके नाल 9.42 पहुँच चुके जी सौवें स्थान ते, सौवां। पंजवा भाग 63.352, तो देखो जी इकाई वाले अंक ते साडे कोले तीन है, दहाई ते है जी छे, सौ सैकड़े ते कोई नहीं है, दसवें ते तीन, सौवें ते पंज, हज़ारवें ते दो। तो दो किनवें स्थान ते पहुँच चुके स्थानक मुल च, हज़ारवें थान ते, हज़ारवां। आंसर आओ हुण असी सत्तवां प्रश्न करते हैं। सत्तवें प्रश्न च देखो सानू की दिता होया, दिनेश ए स्थान तो बी स्थान तक गया अते उत्थों सी स्थान तक गया, ए तो बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, ए तो बी की दूरी 7.5 किलोमीटर, बी तो सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब ए स्थान तो डी तक गया ते डी तो सी तक गया, ए तो सी की दूरी 9.3 किलोमीटर है। हुण नोट करो जी ए तो लैके सी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर है, तो डी तो सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है, डी तो सी की 11.8। किसने ज़्यादा दूरी तय की, वह दूरी कितनी ज़्यादा है? दोबारा ध्यान नाल नोट करो, मुंडे दो है जी दिनेश ते अयूब, जिहड़ा दिनेश है वह तो पहला ए तो चल के बी ते गया, फिर बी तो सी ते पहुंचया। तो इस तरीके नाल जिहड़ा अयूब है, अयूब पहला ए तो डी ते गया ते डी तो गया जी सी ते। हुण ए तो सी दी दूरी, ये वैसे ना सी दी जगह ते डी करो जी, ए तो डी दी दूरी आ दूरी है जी 9.3 किलोमीटर। रकम सही कर लियो, ए तो डी दी दूरी 9.3 ते डी तो सी दी दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज़्यादा दूरी तय की, दूरी कितनी ज़्यादा है? तो दिनेश का रस्ता किहड़ा हो गया जी, ए तो बी ते बी तो सी, दोनों दूरियां जोड़ लो। अयूब का रस्ता ए तो डी ते डी तो सी, दोनों दूरियां जोड़ लो, सानू पता लग जू किने कितनी दूरी तय की। आओ लिखते हैं, आप सब तो पहला देखो दिनेश राही तय दूरी। दिनेश देखो जी पहला कित्थे गया, ए तो बी फिर बी तो सी, ए तो बी प्लस बी तो सी, ए तो बी की दूरी 7.5 ते बी तो सी की दूरी 12.7। अच्छा इन्हों का जोड़ कर लिए पक्के काम के, 7.5 ते 12.7 जोड़ो, 7 ते 5 12 दशमलव शुरू, हंसल आ चुके जी 1, 2 ते 7 9 ते 1 10 हंसल आया जी 1,
एक ते एक दो ता दिनेश ने ता कुल दूरी तय की है 20.2 किलोमीटर। हुण इसे तरीके नाल आपां अयूब राही तय की दूरी करते हैं जी। अयूब राही तय दूरी, अयूब गया जी ए तो डी तक ते फिर डी तो सी तक। ए तो डी तक है जी 9.3 किलोमीटर, डी तो सी तक है जी 11.8 किलोमीटर। जोड़ लगा लिए इन्हों का 9.3 11.8, 8 से 3 11 हंसल आया 1 1 से 9 10 से 1 11 हंसल आया 1 1 से 1 2। दशमलव के हेठां दशमलव लगाना ना भुलो। ये है जी 21.1 किलोमीटर। हुण नोट करो 21.1 वड्डा है या 20.2 वड्डा है? बिल्कुल सही 21.1 वड्डा है, पर किन्ना वड्डा है ये भी सानू दसना पेगा। लो जी तो 21.1 दे विचों 20.2 घटा लवो, एक चो दो जांदा नहीं हांसल। लो जी इस एक तो हांसल गया, एक तो एक 11, 11 चो दो गए 9.1 हांसल जा चुके हैं तो इतने बच गया 0, 0 चो 0 गया 0, 2 चो 2 गए 0। इसलिए अयूब ने 0.9 किलोमीटर दूरी वध तय की आंसर आ चुके। आओ अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न है जी 8वां, देखियो इस की दिता सानू। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब 3 किलोग्राम 250 ग्राम अंब खरीदे है। इस तरह सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे ते 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे, किसने वध फल खरीदे? जोड़ के देख लें दोनों का। लो 8वां असी श्यामा ली जोड़ अलग पता करना है ते सरला ली जोड़ अलग पता करना है। हुण श्यामा ने की खरीदिया जी? देखो सब तो पहला सेब खरीदे है, सेबां दा भार तुहानू दिता जी 5 किलोग्राम ते 300 ग्राम सेब। एक गल नोट करो ये रफ कम है जी हेठा 5 किलोग्राम प्लस 800 ग्राम, इनू असी किलोग्रामा ची कन्वर्ट करते हैं अपनी सुविधा ली। तो 5 किलोग्राम ग्रामा नू किलोग्राम च बदलना है, 1000 नाल भाग करवा लो जी, किलोग्राम विच बदलिया जा चुकया। हुण देखो 5 प्लस 3 सिफर हैं, उपरों 3 अंक छड के दशमलव लगा लो तो जदों इन्हां दा जोड़ करोंगे 5.800 किलोग्राम। तो सेबां दा भार है 5.800 किलोग्राम। इस तरीके नाल अंबां दा भार भी चैक कर लो जी। अंबां दा भार वो है जी 3 किलोग्राम ते 250 ग्राम। देखियो 3 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम। हुण नोट करो 3 किलोग्राम तो मैं उस तरीके नाल उतार लिया, 250 ग्राम नूं हुण मैं किलोग्रामा च बदलना है तो 1000 नाल भाग कर लो, किलोग्राम पता लग गए सानू 3 किलोग्राम, 3 सिफर हैं उपरों 3 अंक छड के दशमलव लगा दिओ। जोड़ तो हुण तुसीं कर ही लवोंगे 3.250 किलोग्राम। लो जी 3.250 किलोग्राम। जोड़ करिए 0, 5, 8 ते 2, 10 हांसल आया 1, 3 ते 5, 8 ते 1, 9। तो श्यामा ने 9.050 किलोग्राम फल खरीदे है। इस तरीके नाल सरला ने देखो जी किहड़े किहड़े फल खरीदे है, संतरे खरीदे है। तो संतरिया का भार 4 किलोग्राम 800 ग्राम, इनू बदल लो जी 4.800 किलोग्राम आ चुके हैं। तो केले खरीदे है जी 4 किलोग्राम तो 150 ग्राम, इसनों भी बदल लवो जी किलोग्रामा च। हुण जोड़ कर लो जी इन्हों का 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5, 8 ते 1 9, 4 ते 4 8। तो सरला ने खरीदी है जी 8.950 किलोग्राम, दोनों चुकी ने
फ्रूट वध खरीदे है श्यामा ने, इस करके श्यामा ने वध फल खरीदे हन। ये तुहाडा रफ कम है। अच्छा हुण नोट करो, नौवां प्रश्न कहिंदा जी 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर तो किन्ना घट है। इहनूं सौखा करके समझ लिया, मान लो तुहाडे कोले जेब विच 6 रुपए है ते चॉकलेट आंदी है 10 रुपए दी, तां 10 रुपए दी चॉकलेट खरीदण लई तुहाडे कोले हजे सिर्फ 6 रुपए है जेब च, तां तुहाडे कोले किन्ने पैसे घटदे है? हाँ जी 10 माइनस 6 4 रुपए घटदे है। बस उसे तरीके नाल तुहानू 42.6 मुल चाहिदा है ते तुहाडे कोले 28 वाला मुल हैगा, तां किन्ने किलोमीटर घट गए? असी 42.6 विचों 28 कटा लैने, दशमलव हेठां दशमलव पिछे 0, 6 चो 0 गया जी 6, 2 चो 8 जांदा नहीं हांसल लो, 4 चो 1 हांसल उधर भेज तां 12 बन गए, 12 चो 8 गए 4, पिछे बच गए 3, 3 चो 2 गया जी 1, तां किन्ने किलोग्राम किन्ने किलोमीटर घट है जी? हाँ जी 14.6 किलोमीटर घट है जी। लिख दिया आंसर, इस करके 14.6 किलोमीटर घट है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, तो उदाहरण तुसी खुद कर लेनी है।